हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही थी? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो ये जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस एक ही प्लेलिस्ट में रहेंगे और साथ ही मैं क्वेश्चन सीरीज, एक और हमारा प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट क्वेश्चन सीरीज, तो वहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस डालती हूँ, ठीक है? सिंपल वाले, अजर्शन रीजन वाले, फॉर्मूला बेस्ड वाले, ठीक है? तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और क्यू का वैल्यू क्या है, 10, ठीक है? सिंपल है, आप निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा टोटल कॉस्ट का वैल्यू है 1/10 क्यू 3 माइनस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 650 क्यू प्लस 300। ये आपका क्या टोटल कॉस्ट है, ठीक है? ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। अब आपको निकाला है मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको सिंपल है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। आप कैसे करेंगे, डी अपॉन डी क्यू की सारा वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट के अंदर क्यू 3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1/10, ठीक है, और q 3 माइनस 3 q का स्क्वायर प्लस 50 q प्लस 3, ठीक है? ये क्वेश्चन, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करेंगे, 1/10 इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको तो आएगा 3 q का वैल्यू 2, ठीक है? इसको कर रहे हैं तो कितना, 3 q का वैल्यू 2, इसके बाद 3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका 6, ठीक है? कैसे करें, आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, अब लोग इसको डिफरेंशिएट करें, घबराइएगा नहीं, हम एकदम अच्छे से सिंपल करें, 3 2, ठीक है? ये 3 2 क्यू आई, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 6, यहाँ पर मैंने 6 क्यू लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 प्लस 50, ठीक है? क्यू का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है? तो ये हमारा निकल गया मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको यहाँ पर जहां जहां क्यू है वहां पर 10 रखना है, वैल्यू आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1/10 है, ठीक है? अब 3 क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यहाँ पे गिवन है 10 रखेंगे, ठीक है? स्क्वायर माइनस 6 10 प्लस 50, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 10 माइनस 60 प्लस 50, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 300 ही आएगा, यहाँ पर करेंगे 10 और मल्टीप्लाई 600 आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कितना आएगा हमारा 500, ठीक है? अब ये 500 ये 300 को प्लस कर दीजिए तो आएगा हमारा 800 में माइनस करेंगे 600 तो कितना आएगा 200 अपॉन 10, मतलब कि आंसर विल बी 20। आंसर क्या आया, 20 आया हमारा, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर विल बी ए 20। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम में, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फर्स्ट इज अ फर्म विद टोटल कॉस्ट आपको गिवन है और यहाँ पर आपको गिवन है प्राइस, ठीक है? प्राइस गिवन है, आपको क्या निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टी आर इज इक्वल टू टी सी करना होगा, मतलब कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, टोटल रेवेन्यू के इक्वल टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
टोटल कॉस्ट आपको कितना है 50 + 3Q टोटल कॉस्ट है, और टोटल रेवेन्यू आपको कितना है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है, प्राइस आपको 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से तो 5Q, ठीक है, 5Q, और देखिए यहाँ पे 5Q, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5Q - 3Q इज इक्वल टू, यहाँ पे 2Q इज इक्वल टू 50, तो Q इज इक्वल टू 15/2, ठीक है, तो 15/2 ये क्या आपका आंसर है, आंसर विल बी ए 15/2, ये TR इक्वल टू TC क्यों किए, क्योंकि हमें निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट, जब भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, TR इक्वल टू TC, ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IS कर्व आपको निकालना है, तो IS कर्व आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पे होगा आपका C bar plus I upon 1 minus C, BI upon 1 minus C, ठीक है, ये हम लोग IS कर्व निकालने वाले हैं, तो आपको इसमें पुट करना, ये आपका मेन फॉर्मूला, तो इसमें पुट करना, ये आपका एक फॉर्मूला बोलिए, इक्वेशन बोलिए, आपको इसमें पुट करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 0.8y, ठीक है, इसके बाद गिवन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये वाला आपको IS कर्व निकालना है, तो सबसे पहले देखिए C bar में गिवन है, सी गिवन तो यहाँ पे 0, I की बात करें 102, ठीक है, 1 माइनस C मतलब कि आपका 0.8, ठीक है, अब लोग BI की बात करें 0. यहाँ पे होगा 0.2, ठीक है, I और 1 माइनस 0.8, ठीक है, C क्या है 0.8। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आप, देखिए बहुत सिंपल है, 102 नीचे में क्या होगा 0.2 माइनस 0.2 आई अपॉन 0.2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में आएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 0.2 कट गया, तो यहाँ पे इसको मैं काटूंगा 510, ठीक है, 510 आया माइनस आई, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी सी 510 - I, आंसर क्या है आपका 510 - I, ये वाला आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करना हो तो आप इसी, मैं ये जो वीडियो UGC NET इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ वो अलग प्लेलिस्ट में, जो बाकी क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड और जो भी फॉर्मूला बेस्ड अजर्सन रीजन वो सब अलग प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ, ताकि आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।